ऊपर से पैसा आएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह बेशर्मी से बोलते हैं 100 करोड़ की बिना पार्टी नहीं खड़ी है, और क्या हरियाणा की जनता उनको सच साबित करेगी? जनता के पैसे की बिना जनता की राजनीति कैसे होगी? ये सवाल मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि जनता के मुद्दे हो सही, अगर पैसा ऊपर से आएगा तो फिर उन्हीं के मुद्दे होंगे, फिर आपके मुद्दे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की कैसे जनता के मुद्दे उठाएंगे, तो ये एक लिमिटेशन है हमारी कोशिश के लिए। आप इलेक्शन कमीशन छुट्टी है प्लास्टिक फ्री कैंपेन कैसे जनता की राजनीति होगी अगर ऊपर से पैसा आएगा? चौधरी वीरेंद्र सिंह बेशर्मी से बोलते हैं 100 करोड़ की बिना पार्टी नहीं खड़ी हो सकती, और क्या हरियाणा की जनता उनको सच साबित करेगी? जनता के पैसे की बिना जनता की राजनीति कैसे होगी? ये सवाल मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि जनता के मुद्दे उठे भाई, अगर पैसा ऊपर से आएगा तो फिर उन्हीं के मुद्दे उठेंगे, फिर आपके मुद्दे उठेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की कैसे जनता के मुद्दे उठाएं, इसलिए अभियान भी शुरू करें, तो ये एक लिमिटेशन है हमारी कोशिश। फिर भी 90 की है, देखिए कितना पहुँचते हैं। सर, द इलेक्शन कमीशन टुडे हैज रिक्वेस्टेड प्लास्टिक फ्री कैंपेन द ऑल पॉलिटिकल पार्टी, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? दीज आर वेरी नाइस थिंग्स, आई एम कंप्लीटली विद द इलेक्शन कमीशन, बट वुड इट नॉट बी बेटर इफ द इलेक्शन कमीशन वर टू फोकस ऑन द रियल इश्यूज? यू नो, आई ओवर द इयर्स आई हैव सीन there is this passionate pursuit of trivia, this enormous passion, and the question is trivial in the sense that this is not what the real job of the election commission is. The real job is to ensure a level playing ground. What are they doing about that? Level playing ground ka matlab hai Haryana mein kahin bhi paisa na baitha jaye. ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तरफ से आते हैं, और उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है मई से अगस्त 2019 की, दो एक दिन पहले आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में बेरोजगारों की संख्या अब 20 लाख के पार हो गई है। 20 लाख 20 हजार बेरोजगारों का अनुमान लगाया है CMI ने। याद रखने की बात है कि पंजाब जो कि हरियाणा से बड़ा है वहां सिर्फ 11 लाख बेरोजगार है, मध्य प्रदेश तमिलनाडु जो हरियाणा से 3 गुना से भी ज्यादा बड़े हैं वहां भी हरियाणा से कम बेरोजगार है। हरियाणा में 4.5 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट हैं जो कि बेरोजगार में हैं। इसलिए मैं एक अपील करता हूं कि इस आने वाले इलेक्शन में सब पार्टियां हरियाणा में बेरोजगारी के सवाल पे बहस करें, सरकार बताए कि उसने 5 साल क्या काम किया है, उसके पूरे आंकड़े, कितने रोजगार दिए और कितने टोटल बेरोजगार थे, इसके पूरे आंकड़े जनता के सामने रखें।